अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये जाम क्यों लगा हुआ है? मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। जी, ये देखिए। मुझे लगता है ये लड़की का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ना ना जी, चलिए। एक सेकंड। एक मिनट। अग्नि, उठो। अग्नि, आंखें खोलो प्लीज। नारजी, कुछ कीजिए। किसी के पास पानी है क्या? अग्नि, उठो। अग्नि, 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 आंखें खोलो प्लीज। अग्नि, नारजी, हमें अग्नि को कैसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी जल्दी चलिए नारजी। तुम फाइल देखो, ये लो। सर जी, यहाँ पास ही में क्लिनिक है, वहाँ ले चलते हैं। एक सेकंड। ना जी, जल्दी कीजिए, हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अग्नि, जैसे पिंकू जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, वैसे अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। अरे पुनः मैं अदरक वाली चाय पिला दीजिए प्लीज। पूनम, मैं क्या कर रही हूँ प्रतीक के पापा? मुझे चाय पीनी थी इसलिए मैं आपको बुला रहा था, लेकिन आपके कान पे जू भी नहीं रह रही। पलक, दादाजी के लिए चाय लेकर आओ जल्दी। पलक, अच्छा तो आप पलक के ख्यालों में खोई हैं, इसलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं। आपने खुद ने पलक को इस घर से बाहर निकाला और अब उसी के ख्याल में मग्न है। वाह। नहीं नहीं प्रदीप के पापा, ऐसी बात नहीं है, बस मुंह से निकल गया। चाय पीनी आपको, मैं बना कर लाती हूँ। बैठिए। मम्मी, मुझे लगता है कि अब प्लान में आगे बढ़ने का टाइम आ गया। तो बढ़ना आगे देता ली। चलो, पलक, पलक तुझे मेरी कसम, अरे एक बार तूने शादी करके देख ली ना, अब दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अरे क्या हुआ अगर पिंकू जी ने तुझे छोड़ दिया तो? तू किसी से भी शादी करेगी? देख पलक, अगर तुमने ये शादी की ना तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लूंगी। यहाँ क्या मैं? अरे पलक बेटा समझो, तुम्हारी माँ क्या कह रही है। दादी जी, आप ना मेरे मामले के बीच में मत पड़िए। ये मेरी जिंदगी है, मैं देख लूंगी, आपका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हो नो, 3 बज गए, 4 बजे तो मुझे आजाद थिएटर में जाना है मूवी देखने। अब बाय बाय बाय। जल्दी से निकलना होगा। पलक से मिलना जरूरी है, पिंकू की मलिश्का से शादी करवा कर गलती कर दी, लेकिन अब पलक की शादी तोड़वा कर वो गलती सुधारोगी, ताकि पलक दोबारा इस घर में वापस आ सके।
अरे पूनम मेरी चाय। समधन जी पिला देंगी ना आज आपको चाय। समधन जी वैसे भी करती क्या रहती है, राशन कार्ड तो है नहीं ना यहाँ पर, पिला दीजिए। अरे समधन कोई बात नहीं समधी जी, आज मेरे हाथ की चाय पी लीजिए आप। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हें इतनी चोट लगी कैसे? डॉक्टर इनका एक्सीडेंट हो गया था, आप प्लीज इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर इनकी पेट में हमारा बच्चा है, ये हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनने वाली है। इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, ऐसे में बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है, इन्हें वार्ड में शिफ्ट करो इमीडिएटली फास्ट। डॉक्टर संभाल के काटो जी प्लीज, मेरे बच्चे की और अग्नि की रक्षा कीजिएगा प्लीज। कि तुम एक अच्छी मां बन भी सकती हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों से ये साफ नजर है कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है बच्चे की। बच्चे के लिए मैंने रोहित को कितना कुछ सुना दिया था, कितना कुछ कह दिया था, लेकिन आज जिस तरह से रोहित बच्चे के लिए परेशान हो रही है, उसके बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं रोहित की रूह बच्चे से ही जुड़ी है। बच्चे के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं रोहित की ममता देख ही नहीं पाया। आई एम सॉरी रोहित, रियली सॉरी। अग्नि और हमारा बच्चा दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा रोहित, सब ठीक हो जाएगा। खाटू जी पे भरोसा रखो। देर हो गई है, दादी जी कभी भी आते होंगे। ये जो मेरा बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करने वाला था, ये रहे कहाँ आगे आगे? फोन करती हूँ उसको। हेलो रमेश जी, कहाँ हैं आप? अरे पलक जी, मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हे भगवान, टायर पंक्चर हो गया। दादी है आप? क्या 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 कर रही हैं आप? मैंने सोचा तुमसे मिलूं। फिल्म देखने आई हो ना? हाँ मैं तो फिल्म देखने आई हूँ। बॉयफ्रेंड कहाँ है तुम्हारा? आ ही रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। आता ही होगा मतलब? अरे पर फिल्म का तो टाइम हो रहा है। मैं भी यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलती चलूं। देख लूंगी कैसा है वो, कैसा दिखता है, क्या काम धाम करता है, कैसा खानदान है उसका। अब दादी जी, अब ना तो आप मेरी सास है और ना ही मेरी माँ, तो आपको मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जांच पड़ताल क्यों करनी है? आप अपना काम करिए ना, वो मैं देख लूंगी उनको। अरे मैं भी तो देखूंगी ना, मुझे देखना है पलक बेटा जी, मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो आपका बॉयफ्रेंड है वो कैसा है, आखिर ऐसा क्या है उसमें जिसकी वजह से आपने मेरे राजा बेटा पिंकू को छोड़ दिया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंदिर में जो बात मुझसे कर रही थी वो झूठ? आपने मुझे बेवकूफ बनाया पलक बेटा। मैं क्या बेवकूफ बनाऊंगी, झूठ क्यों बोलूंगी मैं आपसे? अरे मैंने कोई झूठी बोला? मेरे बॉयफ्रेंड है। अरे वो आते ही होंगे, कहाँ आते ही होंगे अभी। मेरा बॉयफ्रेंड आ गए, मेरी जानू जानू जानू, ये है मेरे बॉयफ्रेंड, ये है जानू हानू, ये है मेरे बॉयफ्रेंड। ये पक्का तुम्हारे बॉयफ्रेंड है पलक बेटा? हाँ यही है मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे
प्रेमनाथ पान भंडार वाले मेरे जानू, है ना जानू, है ना? जी जी, हम इनके इकलौते बॉयफ्रेंड हैं, पलक के प्रेमनाथ पान भंडार वाले। दादी के चक्कर में किस तरह छाप को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा, बस जल्दी से नाटक खत्म हो। और डॉक्टर रुई रुई डॉक्टर डॉक्टर अग्नि और हमारा बच्चा दोनों ठीक तो है ना? अग्नि और बेबी दोनों ठीक हैं और अब आप उनसे मिल भी सकते हैं। थैंक यू, चलिए ना जी। चलो चलो। अग्नि अग्नि तुम ठीक तो हो ना? हाँ रुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। खाटू जी ने तुम्हारी सुन ली रोहित, सब ठीक है, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। अग्नि हमें पता चल गया कि तुम निर्दोष हो। अग्नि मैं भी तुम्हें अपने बर्ताव के लिए अब तुमसे इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ऐसे काम ही किया है कि मुझ पे विश्वास करना इतना आसान नहीं। ओके। लेकिन अब तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद ही है तुम दोनों को एक हेल्दी बेबी देने का। डोंट वरी, मैं अपना और बेबी का पूरा ध्यान रखूंगी। अखिल तुम हमारे साथ घर चलो, तुम सब अकेले नहीं मैनेज कर पाओगी। घर पर मैं तुम्हारा और मेरे होने वाले बच्चे का दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ, प्लीज। नहीं रोई, मैं घर नहीं जा सकती। अभी प्लीज मान रोही, देखो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ घर गई तो तुम हमेशा मुझे शक के नजरों से ही देखोगे, इसलिए मुझे घर नहीं जाना है, प्लीज। और तुम लोग को जब भी मन करे ना तुम लोग बेबी से मिलने आते रहना। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। देखो अग्नि, मैं जानता हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और तुम टेंशन मत लो, कोई तुम पर शक नहीं करेगा, जो हुआ उसे भूल जाओ, आई प्रॉमिस। हाँ तुम प्लीज हमारे साथ चलो और घर पर ही रहो, वहाँ पर हमारे बच्चे को बड़ों का प्यार भी मिलेगा और हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बड़ों का प्यार और आशीर्वाद बहुत जरूरी। तुम प्लीज हमारे साथ चलो, प्लीज प्लीज अग्नि, प्लीज मान जाओ, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए मान रही हूँ। थैंक यू सो मच अग्नि, थैंक यू। सर आइए, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। जी, अब रोहित मैं अभी आया, चल चल। अभी मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। वाह अग्नि वाह, क्या प्लानिंग थी, क्या दिमाग लगाया तुमने, कितनी खूबसूरती से तुमने अपना सारा प्लान पूरा कर दिया। तुम्हें तो एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। नहार और रूही को तो साष्टांग प्रणाम करा दिया तूने। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंककर अपने इशारों पर नचाना। ऐसे कैसे ये प्रेमनाथ पान भंडार वाले तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है? पलक कैसी बातें कर रही हो, मतलब कोई भी अपनी खास मजबूरी में भी ऐसा बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाएगा, ऐसा पन क्या देखा, मतलब हम ऐसे थोड़ी ना, हम यहाँ के सबसे बेस्ट पान भंडार वाले हैं।
कसम भगवान की, पान के अलावा और कहीं चूना नहीं लगाया आज तक। अरे एक बार आप हमारा पान खा के तो देखिए, ऐसा कत्था लगाएंगे ना, अगर सुपारी डालेंगे ना तो रोम रोम मचल उठेगा आपका। खिलाए आपको एक है। बेटा भला रोम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारा क्या है पान भंडार, ऐसा पान गिलाया, ऐसा पान जैसे लग रहा है जैसे मेरे गले से मेरा जान मेरा दिल निकल कर था। ये क्या पाल लिया है तुमने बेटा? कम से कम अपनी माँ के बारे में जरा सा सोच लिया होता। बेचारी तुम्हारी माँ कैसे रोती रहती है, पल पल आंसू उसके निकलते रहते हैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। दादी जी क्या बात कर रही है, आपने तो मुझे घर से बाहर निकाला था और मैं फिर बेचारी अबला नारी कहाँ जाती। इन्होंने ही मुझे सहारा दिया। आज के जमाने में कोई सहारा देता है भला? मुझे रोटी भी खिलाई और वो मुझे मीठा मीठा पान भी खिलाया। मीठा मीठा पान पसंद आया, अब पान के साथ साथ मुझे ये भी पसंद आ गया तो क्या करती मैं? मेरे प्रेमनाथ पान भंडार वाले। और वैसे भी दादी जी मुझे ना आपकी तरह ये अमीरी गरीबी में कोई विश्वास नहीं है, आप ही रखो अपनी अमीर बहू, मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगी, इसीलिए अब ना आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। जानू क्या कर रही है? हे भगवान, इस पनवाड़ी ने तो मीठा पान गिला कर मीठी मीठी बातें कर कर अलग को अपने वश में कर लिया है। कुछ तो कर पूना, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तू अगर अलग को घर से निकाल सकती है तो घर में वापस ला नहीं सकती। क्या हुआ जानू? जानू कौन जानू? काहे की जानू? ये कोई जानू वानू नहीं है तुम्हारी, पकड़ो पैसे पकड़ो। सुनो जो बुढ़िया है ना बहुत चालू इंसान है, अगर वापस आएगी ना और ये बोलेगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो भाई एक्टिंग करना। हाँ, वो तो भाई है। हो नहीं सिर्फ एक्टिंग करनी है। भगवान अब पता नहीं दादी जी का अगला प्लान कौन क्या होगा, मुझे नजर रखनी पड़ेगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यज्ञी को क्या हुआ, इसे चोट कैसे लगी? बच्चा तो ठीक है ना? हाँ दादी अग्नि ठीक है और उसकी कोख में हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। नाजी दादी जी को सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स दिखाइए ना। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, अब दादी आपने जैसा कहा था अब वैसा ही होगा। अग्नि इसी घर में हम सबके साथ रहेगी। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। और तुम लोग खड़े क्या हो? अरे बच्चे की माँ को इतनी चोट लगी है, उसे ना पक्का नजर लगी है, इसकी नजर उतारो। दादी बच्चे की माँ मैं नहीं बल्कि रोही। हाँ मेरा मतलब वही है, पर अग्नि बच्चा तो तुम्हारी कोख में है ना, चलो अग्नि की नजर उतारो। हाँ मैं नजर उतारने का सामान लेकर आती हूँ। अब तुम्हें अपना और बच्चे का पहले से और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि तुम फिर से अपने पहले वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, वहां तुम्हें थोड़ा ज्यादा अपनापन सा लगेगा। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आओ बैठो। अपने
अपने पुराने कमरे में जाना तो मेरी पहली सीढ़ी में रही, मेरी असली मंजिल तो नाहर के साथ रहने रहना है। रूही, तुझे लगता है कि तूने अग्नि को घर में लाकर सही किया है? मतलब तू उस पर भरोसा तो कर सकती है ना? मुझे उसकी आंखों में पछतावा तो दिख रहा है। और वो तो घर आना भी नहीं चाहती थी, वो तो मैंने और नाहर जी ने उसे जिद की, तब उसने हमारी बात मानकर वो घर आई। और देख, मुझे लगता है हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना, क्या पता वो बदलना चाहती हो, अपने आप को सुधारना चाहती हो। हाँ रूही, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना तेरे पास, आखिर उसके कोप में तेरा बच्चा जो है। लेकिन रूही, तू ना थोड़ा सा संभल कर रहना, अग्नि पर अंधा भरोसा करना भी सही नहीं है रूही। हाँ जूही, ठीक है। वैसे अग्नि तो घर वापस आ गई है, तू कब आ रही है? मैं नाहर जी को भेजूं तुझे लेने के लिए? नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। और वैसे भी जब तक तेरा बेबी नहीं हो जाता, मुझे उस घर में आने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं रखती हूँ, गुड नाइट। हाँ जूही, पर मुझे नाहर जी से बात करनी होगी। बात तो मुझे तुमसे करनी है रूही। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए, ओपन इट, खोलो। ये हमारे होने वाले बेबी की मम्मा के लिए पहला तोहफा। रूही, हम दुनिया के बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे, तुम देखना। तीन एक्सपेरिमेंट कामयाब तो होना चाहिए था, पता नहीं अपने लोग तो यूज भी किया नहीं। नहीं आ रहा है। रोही, सलाद देना प्लीज। रोही, ये क्या है? हाँ जी, वहाँ भी, अब ये देखिए।